अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? देखें अबराश को, अबराश को पता नहीं किस बात का गुस्सा आ रहा है। अभी मैंने खिलाया भी है, फिर भी गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों रोना भी आ रहा है बल्कि, है ना। अबराश कह रहा है मम्मा मुझे गोद में ले लें, और मेरी हिम्मत ही नहीं है। वैसे ही मेरा हाथ इतनी ज़ोर से आज दीवार पर लग गया है, इतनी तकलीफ़ हो गई है हाथ में मेरे, टाँके आए हुए टाँकों में और तकलीफ़ हो गई। मिनल का मोबाइल ऑन नहीं हो रही, देखो मिनल अपने काम में बिजी हो गई है, मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा। मम्मी देखो घर खाली पड़ा हुआ है, मम्मी गई हुई है नानी के घर पे, तो वो अभी तक आई नहीं है, अभी आएंगी मम्मी। तो बोल रही थी मुझे खाना खाने का, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा, क्योंकि तकलीफ़ ना बढ़ती जा रही है, कम होने के बजाय शदीद तकलीफ हो रही है। इतनी ज़्यादा दवाइयाँ भी हैं, खा भी रही हूँ, फिर भी अबराश भी गया। देखो मिनल, देखना अबराश कहाँ आ गया है, देखो वहाँ चप्पल भी पड़ी है इसी फर्श पे जाके। ये देखो दोनों बैठ गए वहाँ जाके। अब अल्लाह ताला आप लोग दुआ करें जल्दी से मेरा हाथ ठीक हो जाए। अभी कितने दिन का टाइम दिया है, 15 दिन का, कि 15 दिन बाद ये जो स्टिचेस लगे हैं ये काटेंगे, कल दोबारा पट्टी होगी। एक कल हुई थी, अब आज का दिन छोड़ के फिर कल होगी पट्टी। पट्टी का सारा सामान वगैरह मैं यहीं लेकर आ गई, क्योंकि मैं इतनी दूर बार बार नहीं जा सकती। पूरी रात हो गई है, एक रात भी मैं नहीं सो रही हूँ, इतना सा भी, ज़रा सी भी मेरी इतनी सी भी नींद पूरी हो रही हो तो नहीं हो रही, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। सबसे पहली बात कि अपनी जगह बदल जाती है ना तो नींद नहीं आती, फिर एक करवट लेटे लेटे ना मैं थक जाती हूँ। दूसरा ये कि हामिद ना मुझे घर नहीं जाने दे रहे, बोल रहे यहीं रहो मम्मी के घर, अभी इतनी तकलीफ़ है, घर का काम कैसे करोगी, कैसे अबराश को संभालोगी। मुझसे ना बस बर्दाश्त नहीं हो रही, अब मेरा दिल चाह रहा है जल्दी से गाड़ी में बैठूं और चली जाऊं घर। फिर घर में भी इतनी डस्ट हो जाएगी, इतनी वो अलग, इतनी ज़्यादा सफाई करनी होगी। बोल रहे कोई मसला नहीं है, वो हो जाएगा। अब ये नहीं सोच रहे कि और डबल बढ़ जाएगा काम मेरे लिए, जाने नहीं दे रहे, अभी कुछ नहीं समझ आ रहा क्या करूँ। वो हो गया ना ऑपरेशन, अब तो जाने दें, उनको पता है करना मुझे ये करना तो है ना हर हाल में, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। मैं 15 दिन मजीद और तो नहीं रुक सकती ना, कि नहीं टाँके कटने तक का मैं वेट करूँ और यहाँ रहूँ। मैं तो ऐसा लग रहा है कि और मैं बीमार होती जा रही हूँ, हाथ की तकलीफ़ इतनी बढ़ रही है कि बस ये तो आहिस्ता आहिस्ता करके ही जाएगी अभी फ़ौरन, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑपरेशन हुआ है, ऊपर से हाथ का पूरा हिस्सा काट दिया, इतने 17 तो टाँके आए हाथ में, हाल ख़राब है। वो टाँके बचाने बचाने के चक्कर में आज इतनी बस बेदहानी में हाथ इतनी ज़ोर से दीवार पे लगाए ना कि ओहो ऐसा लग रहा था सब गोल गोल घूम रहे आँखों में। ये हाल हो गया आज मेरा। वो देखो अबराश को, लामिनल इधर आ जाओ बेटे, अबराश भी वहीं बैठ गया है, जाके देखो बुलाओ अबराश को, आ जाओ मामी रोटी बना रही, उधर जाके क्यों खड़े हो, आओ अबराश है। ये जब फार्म हाउस जा रहे थे जब लाइन थी, आ जाओ। अल्लाह ताला कोई वसीला बना दे, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ मैं। या तो कुछ भी कोशिश करके ना मैं घर चले जाऊँ, घर जाने का पापा जाने नहीं दे रहे ना, वो बोल रहे अल्लाह रहम करे अबराश मेरा हाथ। हाँ ना ये हाथ भी रहे, कैनुला लगा था कि ऐसा नील पड़ा हुआ और ऐसा सूज गया, क्या हद से ज़्यादा। मम्मी के कमरे में तो और अंधेरा होता है, ये देखो सारी नसें ऐसी सूज रही हैं, पता नहीं क्या है। वही मुझे ना अपनी जगह के अलावा कोई सुकून नहीं मिलता, क्या करूँ। क्या कह रहे हो,
है? घर चले ना, पप्पा जा रहे नहीं दे रहे, क्या करें। ये देखो घर चले ना अपने, है ना। अब राज को खुद यहाँ पे बस एक से दो दिन होते हैं, बेचैनी हो जाती। मैं मंगल को आई थी ना, हफ्ता 5 दिन हो गए आज, अल्लाह 5 दिन हो गए मुझे आके। मंगल को आई थी, बुध को ऑपरेशन हुआ, फिर बुध को ही एडमिट हो गई। हाँ, फिर जुमेरात को दोपहर में छुट्टी हुई जोहर के टाइम पे। हाँ, कोई आया है गेट पे? 5 दिन हो गए मुझे आज आए हुए। क्या ओहो, बैठना देखो नवाब का, पूरा सोफा छोड़ के बैठने की जगह देखो कितनी अच्छी है। अवराज को भी ना सही से यहाँ पर नींद नहीं आ रही, घर पे तो वैसे ही अवराज बेचैन कर रहे होते हैं। यहाँ पर अब ये है कि बेड नहीं है ना अम्मी के कमरे में, मुझे वहाँ बहुत गर्मी लगती है वो वाले रूम। मुझे नहीं, मैं ही नहीं सोऊंगी आज वहाँ पे, मेरे से अम्मी के बेड पे लेटने ही नहीं हो रहा, अपने बेड की आदत है। अवराज को भी परेशानी हो रही है सर। मुझे मगरिब के टाइम इतनी, अब असर के टाइम इतनी तेज नींद आ रही, मिनल को चाय के लिए आवाज दे रही मेरी नींद। मिनल को तो वैसे भी ना टाइम नहीं मिला है, वैसे भी नहीं, आज बहुत तेज आ रही है क्योंकि रात में इतनी देर हो गई। और मम्मा से पूछा असर के लिए नहीं मिला, एक मिनट नहीं सो रही जिस दिन से ऑपरेशन हुआ उस रात को। अभी उस दिन भी हॉस्पिटल में कितनी वो दी थी ना डोज इन्होंने इतनी हैवी, लेकिन तब भी मुझे नींद नहीं आई। मुझे ये हैरत हो रही, असल में जब मैं ऑपरेट होकर आई थी तो वहाँ पर एक आईसीयू से एक बच्चे को भी लेकर आए थे ना, छोटा नहीं था अवराज जितना बच्चा था। मैंने देखा था। हाँ देखा था, ब्राउन शलवार का मैंने। हाँ, वो इतना शोर कर रहा है जैसे तबीयत बेहतर हो गई थी। नहीं ड्रेस नहीं पहना हुआ था, तो इतना जोर जोर से चीख चीख के बात करना, चीख के रोना, हाँ। और दूसरा ये, फिर उसकी मम्मा ने उसको मोबाइल दे दिया, तो वो पता नहीं क्या कार्टून देखा है मोबाइल में, और उसके बाद जो उसने रोना गाना शुरू किया है, मोबाइल की आवाज़ इतनी तेज पूरे रूम में गई। अच्छा, नर्स बार बार मुझे आगे कह रही है कि सो जाओ, सो कैसे सो, मैंने बोला इतना शोर कह रही है। हाँ, इस बच्चे ने शोर तो इतना किया। अस्पताल में वैसे ही होता है, अस्पताल में सब वैसे ही। नहीं वो में वो असल में बच्चे को लेके ना उसमें रुक गई, इन्होंने मना किया था कि आप इस वार्ड में नहीं आए, वो उसी में रुक गई कि बाकी वहाँ ज़्यादा लोग नहीं है, मैं यहीं बैठूंगी, ये हुआ था सर। इसलिए तो हमारी नींद तो उसने बर्बाद कर दी। पहला दिन जो ऑपरेट किया था ना, उस दिन पूरी रात में तड़प रही थी, और मामू ने इसलिए रोका था कि सुकून से आप मार रहे थे, दो दिन तक हॉस्पिटल को तो हॉस्पिटल वालों ने तो 3 दिन का बोल दिया था कि आ जाती आप। मैंने मना किया था भाई अवराज की वजह से, मैंने बोला नहीं भाई, लेकिन शुक्र अल्लाह का लाख अवराज ने तंग नहीं किया, आराम से सिर्फ मैंने निकाला। लेकिन अभी भी मुझे इतने ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, इतने चल रही है ना, तो बस ऐसा लग रहा है अभी गिर जाऊंगी, इतने चक्कर आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया मुझे, इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई, क्योंकि इतना ज़्यादा हेवी ऑपरेशन किया है ना इन्होंने, इतना मेरा हाथ काट दिया, ऐसा लग रहा था कि जैसे इन्होंने कोई दाय वाय काटी होगी, पूरा खून ही खून शर्ट पे ना, ये लोग समझ रहे थे मैंने देखा नहीं, और मैंने देख लिया था वो शर्ट का हाल, बोला छोड़ो अभी क्या, मैं तो इस हाल में नहीं है जो इन्होंने बोली, लेकिन उनका काम है वो तो करेंगे ना, नहीं सकते तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे लिए दुआ करें, मैं जल्दी से अपने बच्चों को संभाल सकूं, इस काबिल हो जाऊं, अपने घर का काम करूं, और मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो जाए, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे। हामिद भी नहीं आए ना, अगर हामिद भी होते तो एक टेंशन कम हो जाती, भले वो कोई काम नहीं करते लेकिन अवराज को, सिर्फ अवराज को देख लेते ना तो भी सही था, बाकी घर के काम तो मैं करती रहती। ये होता कि वो बाहर का कोई सामान लाना है या कुछ भी तो मुझे ला के दे देते, ये टेंशन नहीं होती, मुझे पता है वो मुझे बाहर रोटी वगैरह तो पकाने नहीं देते, लेकिन फिर भी बाहर से लाने का अब क्या है,
जाऊंगी तो बाहर से लेके भी खुद आना पड़ेगा, वो इसीलिए तो टेंशन में आ रहे हैं कि तुम्हें खुद लाने जाना पड़ेगा, कोई ला के देने वाला तो है नहीं, ये मसला है ना सारा, सारी टेंशन जो है ना वो ये है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ और आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से व्लॉग लेकर आऊँ, फैमिली व्लॉग। और आप लोग प्लीज़ अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स करें, मेरे लिए दुआ करें, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।